नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना काल में राशन कार्ड धारियों के लिए राशन कार्ड तुरूप के पत्ते से कम नहीं था, क्योंकि राशन कार्ड ही था जिसकी मदद से काम बंद होने के बावजूद लोगों को राशन देने का काम किया गया था, जिसकी मदद से कम राशन कार्ड धारियों के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। हालांकि इन सबके बीच बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में राशन कार्ड रद्द करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके तहत ही बिहार में अब तक तो 7.10 लाख लोगों के राशन कार्ड को रद्द करने का काम किया गया, जिसकी जानकारी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक प्रश्न के जवाब में दी है। उन्होंने ही बताया है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि बीते 3 सालों में बिहार के 7,10,000 फर्जी और अन्य राशन कार्डों को रद्द किया गया। इस दौरान ही उन्होंने बताया कि पूरे देश में 2017 से 2020-21 तक के कुल 5 साल में डुप्लीकेट, अपात्र और जाली कुल 2,41,00,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। उनके इस बयान के बाद ही राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आगे बताया कि बिहार में साल 2018 में 2.18 लाख, साल 2019 में 3.92 लाख और साल 2020 में 99,404 यानी कि कुल मिलाकर 7,10,000 राशन कार्ड रद्द करने का काम किया गया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1.42 करोड़, महाराष्ट्र में 21.03 और मध्य प्रदेश में 19.63 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल 31,861 करोड़ बीमा कंपनियों की तरफ से प्रीमियम का संग्रह किया गया है। वहीं इसके विरुद्ध किसानों को मात्र 17,931.60 करोड़ का क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया। बीमा कंपनियों को भी कुल 13,929.40 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ मिला है। ऐसे में कोई भी भारतीय नागरिक अगर राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो वो आसानी से घर बैठे बैठे अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रही है। इसके तहत ही देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा देने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। इस स्कीम का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास राशन कार्ड है। ऐसे में अगर किसी नागरिक के पास राशन कार्ड नहीं है तो वो आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।